हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं व्रत और उपवास में खाई जाने वाली हेल्दी और टेस्टी सामक की खीर, जिसके लिए मैंने लिया है 1 kg दूध, 100 ग्राम सामक। तो फिर वेट किसका, चलो बनाते हैं खीर। यह आप देख पा रहे हैं सामक। यदि आपको खीर नहीं भी बनानी आती तो भी आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके ऊपर सामग्री और विधि दोनों चीज़ें लिखी हुई है। मैंने लगभग 100 ग्राम सामक ले ली है। एक पैकेट में 200 ग्राम आते हैं। इसे आपको अच्छे से 2 से 3 बार धो लेना, जिसके से इसके ऊपर लगी गंदगी भी साफ़ हो जाए। देख पा रहे हो आप इसका गंदा पानी। अब ये मैंने धो के और पानी निकाल दिया है। ये हमारा दूध 1 लीटर जो कि उबल चुका है। अब इसमें मैंने सामक ऐड कर दी है। लगभग 5 से 10 मिनट तक इसे हम ऐसे ही हिलाते रहेंगे, जिससे कि, और इसके लिए आपको मीडियम फ्लेम रखना है, लो मीडियम फ्लेम। कुछ ड्राई फ्रूट जिसमें काजू, किशमिश, बादाम, किशमिश को आपको डालने से 8-10 मिनट पहले भिगो देना, जिससे कि उसकी गंदगी भी साफ़ हो जाए। काजू और बादाम जिनको बारीक काट लेना है। और कुछ मखाने लिए। मखाने हमारी हेल्थ के लिए बहुत पौष्टिक होते हैं और इसमें कैल्शियम की प्रचुर मात्रा होती है। ड्राई फ्रूट हम इसमें खीर के अंदर लगभग 8 से 10 मिनट होगी तो अब इसमें हम अपने ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे हमारी जो किशमिश है उसकी गंदगी भी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, तो उन्हें भी हम पानी निकाल करके ऐड कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे हमारी जो खीर है वो गाढ़ी हो चुकी है। ये मैंने ली है शुगर, लगभग 100 ग्राम। आप चाहें तो इसके लिए शक्कर या खांड या वाइट शुगर भी ले सकते हैं। मैंने ब्राउन शुगर ली है। ये हमारी हेल्थ के लिए हेल्दी होती है और केमिकल नहीं होते इसमें। हाँ, बशर्ते इससे क्या होता है कि आपकी खीर का कलर चेंज हो जाता है। देखिए, जैसे मैंने इसके अंदर ये जो ब्राउन शुगर डाली है, वैसे ही हमारी जो खीर है उसका कलर चेंज होने लगा है। खीर को सुंदर कलर देने के लिए मैंने इसमें कुछ केसर भी ऐड की है। जो आप देख पा रहे होंगे इसमें 4 से 5 केसर की अंकुड़ियाँ डाली है मैंने, और इसे हम अब लगभग 5 से 7 मिनट के लिए और पकाएंगे। यानी अब यहाँ हम लो फ्लेम कर देंगे, क्योंकि हमारी खीर तैयार हो चुकी है लेकिन हम इसमें फ्लेवर चाहते हैं। तो तैयार है हमारी खीर खाने के लिए। ये देख पा रहे हो आप अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको क्या खाना है वो बताएं। थैंक यू।